तो सबसे पहले गणपति बापा की सबको बधाई और वेलकम टू द माय चैनल। और आज हम लेने जाने वाले हैं गणपति पापा को। आपने मेरे लास्ट डे के व्लॉग में भी देखा होगा कि कैसे हम गणपति पापा को लेकर आए थे। तो आज ही वो दिन है जब हम गणपति पापा को अपने घर लेकर आते हैं और कुछ दिनों बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। तो चलिए अभी गणपति पापा को लेने चलते हैं और अभी आगे के मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। एक जगह गणपति पापा दिखे हैं, अपने हम इनको देते हैं और फिर जाके घर में जाकर स्थापित करते हैं। तो अब हम गणपति जी को अपने पास लेते हुए गणपति जी उनको कैरी करते हुए आराम रास्ते में अपने गणपति जी को कार में बैठाते हुए धूमधाम के साथ, और कार में बैठने के बाद अपने गणपति जी को हेल्प करता हुआ कार में की बैठने के लिए। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ यात्रा पूरी करने के लिए। पर उससे पहले माता जी ने कहा कि गणपति जी के लिए मोदक भी लेना है, तो पहले हम मोदक को सर्च करते हैं और फिर घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पे माता जी मिठाई की दुकान पे मिठाई लेती हुई, मतलब मोदक लेती हुई गणेश जी के लिए। ये माता जी और मेरी भतीजी गणपति जी को लाते हुए घर पे, अब ऑलमोस्ट हम घर पे आ चुके हैं। तो हम जल्दी से घर में प्रवेश करवाते हैं गणपति पापा का। और यहाँ पे माता जी गणपति जी का पूरा ही स्वागत करते हुए घर पे, पहले पानी और फिर फूलों से स्वागत किया जाएगा हमारे गणपति महाराज का। और और यहाँ पे हमने स्थापना कर दी है गणेश जी की। जैसे आप देख पा रहे हैं सजावट हमने पूरी अच्छी तरह कर दी है, ऑलमोस्ट हमने वहीं रखा है जहाँ लास्ट ईयर रखा था। तो अब आरती की तैयारी करते हैं और पूरा यहाँ दिए वगैरह भी इनके आज बोले चलाते हैं। तो इस तरह हमने स्थापना कर ली है गणपति जी की। अब हम इनकी पूरे दिन सेवा करेंगे, पूरे हफ्ते सेवा करेंगे, और जब विसर्जन का होगा तब वो मैं ब्लॉग आपको पूरा दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। पसंद इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के सबके लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।